नमस्ते एंड वेलकम टू अ हाउस टू माय होम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारे घर के मैट्रेस, सोफा एंड कारपेट जैसे एरियाज में बहुत इजीली डस्ट जमा हो जाते हैं एंड जो कि इफेक्ट करता है हमारे घर की एयर क्वालिटी को। ये सारे डस्ट एलर्जिक रिएक्शन को भी ट्रिगर करता है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं। इसीलिए हमें हमारे घर के मैट्रेस, सोफा एंड कारपेट जैसे एरिया को रेगुलरली वैक्यूमिंग करते रहना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर एक क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे वैक्यूम क्लीनर की डिटेल शेयर करूंगी जो कि आपके मैट्रेस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये है जिमी JV35। ये एक बहुत ही पावरफुल मैट्रेस वैक्यूम क्लीनर है जो कि यूवी लाइट स्टेरिलाइजेशन के साथ आता है। ये ना कि आपके मैट्रेस को बल्कि आपके सोफा एंड कारपेट को भी बहुत डीपली क्लीन कर सकता है। ये बहुत ही अच्छे पैकेजिंग के साथ आपको मिलता है एंड चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। ये बॉक्स में आपको एक मेन यूनिट, एक क्लीनिंग ब्रश, एक फिल्टर एंड एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है। इसमें दिए गए यूजर मैनुअल की मदद से आप इजीली इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल वैक्यूम क्लीनर है एंड इसकी कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी। आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एंड इजीली इसे कैरी भी कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर 700 वॉट की मोटर एंड 14 kPa की पावरफुल सक्शन के साथ आपको मिलता है। दिस प्रोडक्ट हैज UK एलर्जी सर्टिफाइड एंड रिमूव्स 99.99% ऑफ डस्ट, माइट्स एंड बैक्टीरिया। ये बहुत ही लाइट वेट का होता है इसीलिए आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। ये है इसका मेन यूनिट एंड मेन यूनिट के ऊपर होता है ये पावर बटन एंड पावर बटन के साइड में एक मोड बटन भी होता है। इसमें दिए गए डस्ट टैंक को आप कुछ इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये फिल्टर को आप खोल के इजीली क्लीन भी कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से आप सारे पार्ट्स को निकाल भी सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ होता है हेपा फिल्टर एंड दिए गए ब्रश की हेल्प से आप इजीली इसे क्लीन भी कर सकते हैं। इसकी कॉर्ड भी मुझे काफी लॉन्ग एंड ड्यूरेबल लगी एंड लॉन्ग कॉर्ड की वजह से आप कोई भी साइज के मैट्रेस या फिर रग को इजीली क्लीन कर सकते हैं। पावर बटन को ऑन करते ही आपको इसमें 3 इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाता है जो कि इंडिकेट करता है इसके 3 वर्किंग मोड को। इसमें दिए गए 3 वर्किंग मोड को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच भी कर सकते हैं। पहला होता है टैप मोड एंड इसमें आप वाइब्रेशन के साथ अपने मैट्रेस, सोफा एंड कारपेट को क्लीन कर सकते हैं। ये मोड पे आप बहुत डीपली अपने मैट्रेस, कारपेट एंड सोफा को क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड है यूवी मोड। इसमें आप यूवी स्टरिलाइजेशन को यूज करके वैक्यूम कर सकते हैं एंड अपनी चीजों को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड इसमें दिए गए प्रोफेशनल यूवी लैम्प किल करता है 99.9% बैक्टीरिया एंड माइट्स को। एंड इसके थर्ड मोड पे आप यूवी, टैप एंड वैक्यूम तीनों एक साथ कर सकते हैं। इसमें जो हैंडल दिया गया है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें क्लीनिंग के टाइम आपको अच्छा ग्रिप भी मिल जाता है एंड बहुत अच्छे से आप इसे होल्ड करके यूज कर सकते हैं। इसके नीचे रहता है पेटेंटेड कंपोजाइट रोलर ब्रश। इसके क्रिएटिव सॉफ्ट रबर स्ट्रिप एंड एंटी स्टैटिक फाइबर कंपोजाइट रोलर ब्रश छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल को भी रिमूव कर देता है बहुत इजीली। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं उसे भी बहुत इजीली ये रिमूव कर देता है। इसमें दिए गए 45 mm की बिग डायमीटर एंटी वाइंडिंग डिजाइन रोलर ब्रश की वजह से आपके मैट्रेस पे गिरे हुए हेयर्स को भी ये विदाउट टैंगलिंग रिमूव कर देता है। ये है हॉट एयर आउटलेट एंड इसकी हॉट एयर फंक्शन आपके मैट्रेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसकी रैपिड हीटिंग एंड 60 degree हाई टेम्परेचर आपके मैट्रेस में से सारे डस्ट एंड माइट्स को बहुत फास्टली रिमूव कर देता है एंड इसकी कॉन्स्टेंट हॉट विंड आपके बेड को क्लीनर भी रखता है। इसके फाइन स्टील मैश फिल्टरेशन की वजह से सेकेंड एयर पोल्यूशन को भी ये अवॉइड करता है। ये वैक्यूम क्लीनर को मैं लास्ट कुछ दिनों से अपने घर पे यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट में इसके रिजल्ट से मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ।
क्लीनिंग के बाद आप कुछ इस तरह से अपने डस्ट टैंक को रिमूव कर सकते हैं। एवरी टाइम क्लीनिंग के बाद आप ये डस्ट टैंक में से डस्ट को रिमूव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड उसके बाद आप ये वाटर से वॉश करके इसे क्लीन कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कितना सारा डस्ट एंड कचरा यहाँ पे निकला है, जो कि यूजुअली हमें दिखता ही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।